गोरी घर छोड़ के जाने वाली, तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? अरे ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? क्यों किया आपने ऐसा? अरे आप एक माँ हैं और इतने समय से मेरे साथ रहती हैं, आपको समझ में नहीं है मुझे कितनी तकलीफ होगी, मेरी डोरी कितनी तकलीफ में होगी, कहाँ होगी? सही कहा तुमने गंगा, माँ हूँ मैं, तेरी माँ हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। गंगा, परसों पहले अपने रिश्तों से मैं बहुत दूर हो गई थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो। उस वक्त हालातों की वजह से मुझे अपने रिश्तों को तोड़ना पड़ा, लेकिन तुझे अपने हाथों से अपने परिवार को, इस घर को चलाते हुए मैं नहीं देख सकती थी। गंगा मेरी बात तो सुनो गंगा, डोरी को गोद लेने के लिए तू मरने के लिए तैयार हो गया था, डोरी को पाने की जिद में मैं तुझे नहीं खोना चाहती। बताइए आपको, आप मुझे खो चुकी हैं। जैसे मैंने डोरी को खोया ना, आप अपने बेटे को आज खो चुकी हैं। नहीं गंगा, आया समझ में आपको? गंगा नहीं, गंगा रुक जा, गंगा क्या किया मैंने? मैं चाहती थी कि मेरा बेटा उसके परिवार के साथ खुश रहे। अब तक तो डोरी को भी पता चल गया होगा कि वहां हवेली में उसकी माँ नहीं है, तड़प रही होगी अपने बाबा और माँ के लिए। डोरी कहाँ चली गई? डोरी, ए डोरी, डोरी कहाँ भाग गई? डोरी, घबराओ मत डोरी, मैं आ गई हूँ, बाहर आ जाओ। डोरी, बाहर आओ डोरी। कहाँ? डोरी कहाँ है? यहाँ कहाँ कर रहे हो तुम? हाँ क्या कर रही हो? छोड़ो मुराद। वैसे तो मैं ऊंच नीच में विश्वास नहीं करती, पर तुम हैसियत और हरकतों दोनों से छोटी हो, तो दोबारा मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत मत करना। आज तो सिर्फ बाँ मरोड़ी है, अगली बार चिमटे से जुबान भी मरोड़ दूंगी। आए डोरी, बोलो और क्या चाहिए माँ जी को डोरी से? नीलू गद्दीदार को ना केवल पैसे से है प्यार। हाँ, पैसा मिल जाता है हम अपना काम कर देते हैं, बाकी तुम्हारी जो ठकुराइन है ना, तो डोरी से कहा चाहिए हमको कहा मालूम। और वैसे भी ना क्या फायदा डोरी को ढूंढने का, तुम भी चिड़िया तो उड़ गई। शुक्र है डोरी निकल गई यहां से, और वो जरूर यहां से सीधा गंगा जी के पास ही गई होगी। रायन को बताना पड़ेगा। किसकी इजाजत से जा रही हो तुम? का मतलब? हमारे विनाश का कारण बनेगी? कभी नहीं। नहीं,
नहीं डोरी, तुम चली जाओ यहां से। हम कह रहे हैं तुम चली जाओ यहां से। नहीं छूना छोटी को। नहीं डोरी, अभी भी मौका दे रही हूं तुम्हें, चली जा यहां से। अब मैं कुछ पाप नहीं होने दूंगी। आप सिर्फ बुरी नहीं, मेरे बाबा की कहानियों वाली राक्षसी है। बहुत हो गई आपकी मनमानी, अब मैं आपको किसी को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। वही होगा जो हम चाहते हैं। फ्लोरा, छोरा अपना सामान बांध लो बेटा। मतलब ये कि ठाकुराइन ने हमें सिर्फ डोरी को उनके पास भेजने के लिए कहा था ना, वो काम तो हो गया। अब हम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा सकते हैं, जहाँ पर ये गरीबी, रोना धोना कुछ भी नहीं। अभी नहीं जाना, मुझे पापा के साथ और रहना है। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? मॉम, पहले काम पूरा होने की न्यूज तो आ जाए। आपको तो पता है ना कि वो डब्बू डोरी बार बार इस घर में आ जाती है। ठीक है, ये मेरे बार बार पैर पारने से आवाज कैसे आ रही है? पापा ने बताया था कि ऐसी आवाज तभी आती है जब अंदर से जमीन खोखली होती है। जय संकट में, जय संकट में, जय संकट में। काश मैं एक बार वो रिपोर्ट देख पाती, जान पाती कि डोरी मेरी बेटी है या नहीं। काश एक बार मैं उसे मिल पाती, उसे गले लगा पाती। मैं नहीं जानती डोरी मेरी बेटी है या नहीं। माता रानी हमेशा उसकी रक्षा करना, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, पर अपना हाथ मेरी बच्ची पर हमेशा रखना। माता रानी मेरी बेटी की रक्षा करना। आज बुरी ठाकुराइन को जीतने नहीं दूंगी मैं संकटा मैया। आज आपकी बेटियों को कुछ नहीं होगा माँ। मासी जी, वो जाइए।